आपने कभी पैसे निकाले हैं? मैं बैंक की नहीं एटीएम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप एटीएम रूम में जाते हो और एटीएम के अंदर की आत्मा आपसे बोलती है, भाई इंसर्ट योर कार्ड, तो आप क्या करते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो। उसके बाद फिर से आपसे वो बोलती है इंसर्ट योर पिन, आप पिन डालते हो। उसके बाद उसका जी नहीं भरता तो आपसे फिर से बोलती है एंटर योर अमाउंट। तो जो एटीएम के अंदर की आत्मा है आपसे कुछ लेने का काम करती है, ना कि देने का काम। तो उसी तरीके की आत्मा पाइथन प्रोग्रामिंग में भी है। तो चलो आज उसके साथ हम कुछ चमत्कार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग में एक ऐसा फंक्शन है जो आपसे कुछ लेता है, मतलब आपसे कुछ इनपुट लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, आपका इनपुट किसी को देता है, उसके बाद कोई उसका इस्तेमाल करता है, उसके बाद आपको कुछ आउटपुट मिलता है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन की कुछ थ्योरी जानते हैं। थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका एक मेन पॉइंट है, इनपुट फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन। मतलब जो इनपुट फंक्शन है वो पहले से बनाया फंक्शन है, हमें उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यूज फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल। मतलब ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है। कहाँ से, कंसोल से। कंसोल से ही आपका वो इनपुट लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, पाइथन 2 हैज इनपुट एंड रॉ इनपुट। मतलब जो हमारा पाइथन 2 वर्जन है उसके ऊपर हमने पहले बात की है, पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। तो उसमें हमने कवर किया है इनपुट क्या है, रॉ इनपुट क्या है। तो पाइथन 2 के पास दो फंक्शन है इनपुट लेने के लिए, इनपुट फंक्शन और दूसरा है रॉ इनपुट फंक्शन। लेकिन जो हमारा पाइथन 3 वर्जन है, जो हमारी पाइथन 3 सीरीज, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शन है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे पाइथन 3 में इनपुट फंक्शन है उसमें जो फीचर है तो उसने फीचर बॉरो की है रॉ इनपुट से, जो पाइथन 2 में है, ना कि पाइथन 2 के इनपुट फंक्शन से। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है, और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर ही इनपुट फंक्शन काम करता है। तो चलो उसको हम जानते हैं। तो क्या बोलते हैं, इट रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एज अ स्ट्रिंग। मतलब जो भी हम इनपुट फंक्शन को इनपुट देंगे कीबोर्ड की कुछ बटन को प्रेस करके, तो जो इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में लेगा। अब डेटा टाइप क्या है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लो, नहीं देखा है तो देखना ही पड़ेगा। तो जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग लेता है, हमें उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को और दूसरे कोई डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमें दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे हमें इंटीजर में चाहिए तो हम इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में करेंगे, हेक्सा में चाहिए तो हेक्सा में करेंगे, कॉम्प्लेक्स में चाहिए तो कॉम्प्लेक्स में करेंगे। और इसमें किस तरीके से कन्वर्ट करता है इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया, इस वीडियो के 2-3 वीडियो है पहले, उस वीडियो को आप देख लो, आपको समझ में आएगा। तो चलो ज़्यादा देर ना करते इसका पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स एकदम सिंपल है। इनपुट फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में हम इनपुट लिखेंगे, INPUT। जैसे हम स्मॉल लेटर में इनपुट लिखेंगे उसके बाद आपको स्पेस देना है या नहीं देना है ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट आपको पैरेंथेसिस में क्या करना है, सिंगल आर्गुमेंट देना है। जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन है, वो प्रिंट फंक्शन नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले सकता है, लेकिन हमारा इनपुट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट लेता है। और जो भी हम आर्गुमेंट लिखेंगे, मतलब जो भी हम कुछ मैसेज लिखेंगे उसको हमें डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। विदाउट कोटेशन आप कोई भी मैसेज को शो नहीं कर सकते इनपुट फंक्शन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उसके पहले आपको बताता हूँ कि आप कोई भी आइडियल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पाइचाम करना है तो पाइचाम करो, आपको स्पाइडर करना है, जुपिटर करना है, या आपको डायरेक्ट आइडियल का इस्तेमाल करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। या आपको डायरेक्ट इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करना है वो भी आप कर सकते हो। तो चलो मैं आइडियल को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आइडियल लाइट वेट है, तो उसको ओपन करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए एकदम सिंपल है। इसलिए फिलहाल मैं आइडियल के साथ काम करना हो, आप पाइचाम या किसी के साथ कर सकते हो। फ्यूचर में तो हम पाइचाम और स्पाइडर के साथ काम करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आइडियल को ओपन करता हूँ। तो मेरा इंटरप्रेटर ओपन हो चुका है पाइथन का। अभी मैं क्या करूँ, लेफ्ट साइड में मैं इंटरप्रेटर लेता हूँ और राइट साइड में मैं स्क्रिप्ट मोड ऑन करता हूँ। तो स्क्रिप्ट मोड को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल में जाना पड़ता है, और फाइल में जाने के बाद हमें न्यू फाइल लेनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट मोड को राइट साइड में लेता हूँ। राइट साइड में लेने के लिए आपको क्या करना है, दो की को प्रेस करना है, एक विंडोज़ की को प्रेस करना है, उसके साथ आपको लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है। तो चलो मैं इसको करता हूँ। उसके बाद अपने आप इंटरप्रेटर लेफ्ट साइड में आ जाता है। नहीं आया तो क्या करो, आप डायरेक्ट विंडोज़ की को प्रेस करके आप लेफ्ट एरो को प्रेस करो। तो उस तरीके से आपका जो इंटरप्रेटर लेफ्ट साइड में आएगा और स्क्रिप्टिंग मोड आपका राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं उसको इंटरप्रेटर मोड में यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्क्रिप्ट मोड में यूज़ करेंगे। तो चलो अभी ये हमारा इंटरप्रेटर है और यहाँ पे हमें यूज़ करना है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन यूज़ करने के लिए एकदम सिंपल सिंटैक्स है। आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर में इनपुट लिखना है, इनपुट, उसके बाद स्पेस देना है या नहीं देना है ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस
उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना है। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एंटर बटन को प्रेस करना है। ये सिंपल सिंटैक्स है इनपुट फंक्शन का यूज़ करने के लिए। जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करते हो तो हमारा पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में आता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो पॉइंटर है वो क्यों आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे वो अभी वेट कर रहा है कि उसको कुछ इनपुट मिले। अब यहाँ पे कुछ मैसेज शो नहीं हुआ क्योंकि आपने इनपुट फंक्शन के अंदर कुछ मैसेज ही नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैसेज नहीं शो हुआ, इसलिए जो लाइन है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे वो वेट कर रहा है कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ देने वाला नहीं, तो अभी फिलहाल मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एंटर बटन को प्रेस किया, जैसे मैंने एंटर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको देख सकता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आया है, मतलब वो क्या करता है एम्प्टी स्ट्रिंग को शो करता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन में हम कुछ मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट। तो इनपुट फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, डबल कोटेशन के अंदर या आपको सिंगल कोटेशन के अंदर क्या करना है, मैसेज लिखना है। तो यहाँ पे मैं अभी सिंगल कोटेशन यूज कर रहा हूँ, आप डबल कोटेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर यूअर नेम। तो जैसे हमारा इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपको शो होगा एंटर यूअर नेम। तो यहाँ पे मैं अच्छा दिखने के लिए कोलन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे हमारा इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है और बोलते भाई एंटर यूअर नेम। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ, तो मैंने अपना नाम डाल लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर की को प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो अभी यहाँ पे हमें आउटपुट शो हो चुका है, लेकिन जो ये सिंटैक्स है इसको हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। तो जैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरीके का आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा इनपुट फंक्शन है आपसे इनपुट लेता है और उसको किसी ना किसी मेमोरी के लोकेशन में स्टोर करता है, और जो लोकेशन में स्टोर करता है उस लोकेशन का एड्रेस तो हमें नहीं पता, और हमें एड्रेस नहीं पता तो हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको पता है कि किसी ना किसी मेमोरी के ब्लॉक का वो एड्रेस रहता है, तो उस एड्रेस का इस्तेमाल करके हम उस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर किया है उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक नेम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो हमारा इनपुट फंक्शन की जो वैल्यू रहेंगे वो उसको हम देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नेम दिया, उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो जो ये वैल्यू है, जो ये डेटा है, वो क्या होगा, नेम वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, और जिस भी मेमोरी को हमने नेम इस वेरिएबल से रिजर्व किया उस मेमोरी में ये हमारा नेम स्टोर हो जाएगा। तो चलो अब हम एंटर करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया था वो इनपुट स्टोर हुआ है नेम वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने इनपुट दिया है उसको हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल को कॉल करता हूँ। तो जैसे मैं नेम वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो हमें वैल्यू मिल जाती है जो नेम वेरिएबल में स्टोर की है। इसके पहले हमने देखा था थ्योरेटिकल पार्ट में कि इनपुट फंक्शन वो क्या करता है, जो भी डेटा रहता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, तो हमें उसको चेक करना है सच में यार वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है या कोई और फॉर्मेट में लेता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का वो टाइप चेक करता है, वो किस टाइप का है। जो हमारा इनपुट फंक्शन है उसने जो हमारा इनपुट लिया वो स्टोर किया है नेम में, तो जो हमारा नेम वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा नेम वेरिएबल है उसने स्टोर किया स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ से आप समझ सकते हो जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो क्या स्टोर करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही स्टोर करता है। तो इस तरीके से आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं स्क्रिप्टिंग मोड में हूँ और स्क्रिप्टिंग मोड को ओपन करना इस वीडियो के पहले मैंने आपको बताया है। अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर से उसका नाम लेना है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उसकी हाइट लेनी है, उसका वेट लेना है, और उसका जो भी हमने डेटा लिया है वही डेटा यूजर को हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, नेम नाम का वेरिएबल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन से उसका नेम लेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वल्स लिखता हूँ और बाद में यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस में लिखता हूँ एंटर योर नेम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तुम्हारा नाम डालो, ठीक है, तुम्हारा नाम डालो, आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक कोलन देता हूँ क्योंकि अच्छा दिखने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मैं इक्वल्स लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद कोलन, और नेक्स्ट लाइन में वही सेम देता हूँ वेट, उसके बाद सेम इनपुट, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेट, सेम यहाँ पे मैं देता हूँ उसकी हाइट, HIGHT हाइट, उसके बाद इक्वल्स टू इनपुट, उसके बाद आप स्पेस दे सकते हो या नहीं दे सकते, आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखता हूँ हाइट, और यहाँ पे मैं कोलन देता हूँ।
तो इस तरीके से हम क्या करने वाले, यूजर से इनपुट लेने वाले, उसके बाद हमें क्या करना है, आउटपुट शो करना है। अब मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट। अब कमेंट किस तरीके से काम करती है आपको पता है कि कमेंट हम इसलिए लिखते हैं, जो भी हमारा डेवलपर है जो भी कोड लिखते है उसको समझने के लिए वो क्या करता है, कुछ मैसेज को लिखता है और हमारा जो इंटरप्रेटर है उस मैसेज को रीड नहीं करता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, वो कमेंट को लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूजर को आउटपुट शो करना चाहते हैं, तो आउटपुट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं आउटपुट शो करने के लिए, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन को हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो हेलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिंग के बाहर आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और अब हमें क्या करना है, यूजर का जो नेम है, जो नेम वेरिएबल है उसमें हमने क्या किया है, यूजर का नेम स्टोर किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस वेरिएबल को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, उसी तरीके से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी, उसकी हाइट लेनी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में उस वेरिएबल को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ कोलन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद मैं एंटर बटन दबाता हूँ। अभी टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट इसको कॉपी करता हूँ और नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वही नेम को पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ से उसकी हाइट लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट सेम इस जगह पे भी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़र को आउटपुट शो करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे मैसेज शो करते हैं, यहाँ पे अभी लिख सकते हो तुम्हारा, लिख सकते हो तुम्हारा वेट, यहाँ पे लिख सकते हो तुम्हारा हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, तो हमें क्या करना है, फाइल में जाके उसको पहले सेव करना पड़ेगा। इसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है, यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मैसेज तो लिया है लेकिन हमें डेट ऑफ बर्थ को हमने कॉल नहीं किया। और उसके ऊपर आप चलोगे तो यहाँ पे हो सकता है यूज़र को समझ में नहीं आ सकता कि भाई डेट ऑफ बर्थ हमें किस फॉर्मेट में डालनी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो कि डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद आप लिख सकते हो वाई ईयर, ठीक है। तो चलो अब हमारा हो गया सिंपल प्रोग्राम, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको सेव करते हैं सेव में जाके। और अभी यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे बोल दे कि भाई आपको कहाँ पे सेव करना आपका जो प्रोजेक्ट है, तो मैं डेस्कटॉप पे स्टोर करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक नेम देता हूँ अपने प्रोग्राम को, आप अपने प्रोग्राम को कोई भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बायो डेटा, ठीक है। और उसके बाद आपको फाइल को डॉट पी वाई एक्सटेंशन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेव एज अ टाइप डायरेक्ट पाइथन फाइल है। और मान लो यहाँ पे सेव एज अ ऑल फाइल है, पाइथन फाइल नहीं है, तो आपको यहाँ पे डॉट पी वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ उसको सेव करता हूँ। अब मेरा डेस्कटॉप के ऊपर प्रोग्राम सेव हो चुका है, यहाँ पे उसका आप नेम देख सकते हो। तो चलो अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट रन के ऊपर जाना है। और जैसे हम रन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो रन मॉड्यूल, और उसका हम एक शॉर्टकट की है F5 की को भी आप प्रेस करके डायरेक्ट कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो जो हमारा इंटरप्रेटर है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है जीरो एरर से, मतलब एरर कुछ नहीं आया है, तुम्हारा नाम डालो। तो अभी यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ, अब मैंने अपना नाम यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करो, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है डेट मंथ वाई। तो यहाँ पे मैं 12 34 1900 आप कोई भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। और हमने वैलिडेशन यहाँ पे नहीं लगाया, नहीं तो वैलिडेशन लगाया होता तो यहाँ पे एरर आ चुका होता। और उसके बाद मैं एंटर बटन दबाता हूँ, उसके बाद बोलते आपका वेट डालो, मैं अपने वेट डाल रहा हूँ, उसके बाद बोलते आपकी हाइट डालो, तो यहाँ पे मैं अपनी हाइट डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर बटन दबाता हूँ, जैसे आप एंटर बटन दबाते हो तो हमें आउटपुट मिल चुका है यहाँ पे, हेलो मेरा नाम आ चुका है, उसके बाद तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने के लिए, और उसके बाद जो भी हमारा इनपुट है उसको हमें कुछ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और वही इनपुट को हमें आउटपुट शो करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया तो जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो भी आप काम करते हो और वही काम को आप कोई और प्रोग्रामिंग में देखते हो तो हमें बहुत सारी लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है उस सेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए कितनी लाइन लगी, यहाँ पे 4 लाइन है और यहाँ पे 4 लाइन है, मतलब 8 लाइन लगी, लेकिन वही हम 4 लाइन को 2 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अब देखते हैं। तो इसको मैं पहले मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, आपने वेरिएबल का वीडियो देखाऊंगा, नहीं दिखाएंगे तो आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। तो हमने वेरिएबल में देखा था मल्टीपल वेरिएबल को हम एक साथ असाइन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या नंबर ऑफ वेरिएबल को नंबर ऑफ वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक लाइन में। तो चलो उसको किस तरीके से करते हैं यहाँ पे मैं आपको फिर दोहराता हूँ।
फिलहाल हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसको हम करते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि जब हमारा इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे तो जो भी लाइन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि इसको कमेंट किस तरीके से करते हैं। तो हमें जाना पड़ता है फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद डायरेक्ट क्लिक करो कमेंट आउट रीजन के ऊपर। उससे क्या होगा, जो भी हमारी लाइन है वो हो जाएंगी कमेंट में कन्वर्ट, और यही लाइन को हमें फिर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद अनकमेंट रीजन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी लाइन है वो हो गई कन्वर्ट प्रोग्राम में। फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मेट में जाओ और कमेंट करो। अब हम क्या करने वाले, सिर्फ और सिर्फ दो लाइन में इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने वाले। तो जो हम मेथड यूज करने वाले वो मेथड है मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट की एक मेथड है, उसको इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कॉमा देता हूँ, उसके बाद वेट लिखता हूँ, उसके बाद कॉमा देता हूँ, उसके बाद मैं हाइट देता हूँ। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हमें क्या करना, इस वेरिएबल को वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे मैं असाइन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट फंक्शन था तो वही इनपुट फंक्शन को हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देते हैं। कॉमा देने से क्या होगा, जो भी यहाँ पे कुछ आएगा, जो भी नेक्स्ट वैल्यू रहेंगे, वो वैल्यू असाइन होंगी डेट ऑफ बर्थ को। तो जो डेट ऑफ बर्थ को इनपुट मिलने वाला था तो यहाँ से मिलने वाला था। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सेम प्रोसेस दोहराऊंगा, तो क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर वो राइट साइड में चला जाएगा और जो हमारा ये लेफ्ट साइड का कोड है वो हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप कॉमा लिखो। कॉमा देने से क्या होगा, जो भी हम नेक्स्ट वैल्यू रहेंगे कॉमा के बाद वो डायरेक्ट वेट कोसाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है स्लैश। स्लैश का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर की को अभी प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इस इनपुट को लूँगा, उसके बाद उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, उसके बाद फिर स्लैश करूँगा। स्लैश का मतलब ये होता है कि जो ये लाइन है, जहाँ जहाँ पे मैंने लाइन दी है, तो उसका मतलब होता है कि उसके नीचे जो भी लाइन आएंगी वो लाइन इससे कंटिन्यू हो जाएंगी। मतलब जो भी हमारा कोड रहेगा वो एक ही लाइन में कोड रहेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, उसको कॉपी करते हैं और हमें उसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा तीनों लाइन है वो लाइन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया स्लैश का, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक लाइन का कोड। नेक्स्ट हम क्या करने वाले, जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट शो करने के लिए हमने यूज़ किया था प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंट फंक्शन को हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमा देंगे, उसके बाद जो भी इस प्रिंट फंक्शन में आर्गुमेंट थी उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हमारा प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद नेम वेरिएबल आएगा, उसी लाइन में हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन जो ये हमारी स्ट्रिंग है उसको हमें नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ और सेम ये आर्गुमेंट है उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सेम मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं आर्गुमेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और हमें ध्यान रखना है बैक स्लैश एन को हमें लिखना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए इसीलिए। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को दो लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, और 8 लाइन का जो हमारा प्रोग्राम था उसको आप डायरेक्ट दो लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। और लाइन को कंटिन्यू करने के लिए हमें स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लो आपने स्लैश का इस्तेमाल नहीं किया और आपने एंटर बटन दबाई और आपने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में इसको एंटर किया, तो हमें एरर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो चलो अब इस प्रोग्राम को हम डायरेक्ट सेव करते हैं कंट्रोल एस की से, और उसके बाद डायरेक्ट F5 की से इसको रन करते हैं और हम चेक करते हैं हमें एरर आता है या हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो चलो मैं F की को प्रेस कर रहा हूं, आप रन किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं आया है। मतलब हमने क्या किया, जो हमारी 8 लाइन थी उसको हमने डायरेक्ट दो लाइन में कन्वर्ट किया, उसको हमने दो लाइन में कन्वर्ट कर लिया। तो चलो सेम प्रोग्राम है, सेम इनपुट आएगा, सेम आउटपुट हमें देने वाले। तो चलो यहाँ पे बोल तुम्हारा नाम डालो, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ, उसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ, उसके बाद बोलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ डालो, तो मैं अपनी डेट डालता हूँ, उसके बाद मेरा मंथ डालता हूँ, उसके बाद मेरा ईयर डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, उसके बाद बोलते हैं आपका वेट डालो, तो मैं अपना वेट डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं आपकी हाइट डालो, तो मैं यहाँ पे अपनी हाइट डाल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो एंटर की को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे 4 प्रिंट फंक्शन थे उसको हमने 1 प्रिंट फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो हमारा इनपुट आउटपुट था वो सेम आ चुका है। और यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो हमारा जो इनपुट आउटपुट था उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, सेम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इनपुट फंक्शन से यूजर से इनपुट ले सकते हो, उसके बाद उस इनपुट को मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जो इनपुट को आपने मैनिपुलेट किया उसको आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके शो कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी मजेदार बात बताने वाला हूँ, तो चलो मैं इसको पहले क्लोज कर लेता हूँ।
अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपने प्रोग्राम को सेव किया है उस फोल्डर में आप चले जाओ। और मैंने जो अपना प्रोग्राम को सेव किया था उसको किया था डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मेरा प्रोग्राम था उसको मैंने नेम दिया था बायोडेटा, ठीक है। अब हमें उस प्रोग्राम को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो आप उसको क्या करो, डायरेक्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करो, और उसके बाद आपको थोड़ा मैजिक दिखेगा। तो चलो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, मतलब एक कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर बन चुका है। इसको आप स्क्रिप्ट बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर तो नहीं बोल सकते यार, सॉफ्टवेयर में वो नंबर ऑफ प्रोग्राम रहते हैं, यहाँ पे तो हमारा एक छोटा दो लाइन का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट बोल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो py.exe हमारी बन चुकी है, तो इस स्क्रिप्ट को आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर करके भी समझ सकते हो। और यहाँ पे हमारा इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, और बोलते भाई एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखते हैं भाई एंटर योर डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। उसके बाद बोलते हैं वेट डालता हूँ मैं अपना, उसके बाद बोलते हैं आपकी हाइट डालो, उसके बाद मैं अपनी हाइट डालता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे एंटर बटन दबाऊंगा तो हमारा प्रिंट फंक्शन है ना, वो प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज शो करेगा, और उसके बाद फटक से हमारा जो कंसोल है ना वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गया हमारा कंसोल अपने आप बंद हो गया, तो उसको बंद नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या करो, सबसे लास्ट लाइन में इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करो, मतलब इनपुट लेगा उसके बाद पैरेंथेसिस लेगा, उसके बाद उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। जब आप अपने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद जो आपका कंसोल है ना वो वैसे के वैसा रहेगा, वो आपसे इनपुट लेने के लिए वेट करता रहेगा। तो जैसे आपने एंटर बटन दबाया तभी आपका कंसोल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का हम पार्ट टू बनाने वाले हैं, और उसमें हम थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर, और यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सिलेक्ट करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनपुट फंक्शन, मतलब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं और इस चार ऑप्शन में से हमें इनपुट फंक्शन का करेक्ट सिंटैक्स को चूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के भी मिस्टेक है, और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस की भी मिस्टेक है, तो ये आपको ये चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि इनपुट फंक्शन रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक 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 डेटा टाइप, मतलब जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन कौन से डेटा टाइप में उस डेटा को स्टोर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, यूजर्स गिवन फॉर्मेट, मतलब यूजर ने जिस भी फॉर्मेट में इनपुट फंक्शन को डेटा दिया है उसी फॉर्मेट में उसको स्टोर करेगा, उसके बाद बोलते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद बोलते हैं इंटीजर, उसके बाद बोलते हैं फ्लोट। तो चार ऑप्शन है, उसमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनपुट फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे चार सिंटैक्स है उसमें से आप चेक करो। और यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे कोई कैरेक्टर मिस्टेक नहीं, मतलब कैपिटल स्मॉल मिस्टेक नहीं है, बाकी की मिस्टेक आपको क्या है आप देख सकते हो। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन है, और तीन क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नंबर डालो, उसके बाद आप हाइपन दो, और उसके बाद आप क्या करो, जो भी करेक्ट आंसर है उस नंबर को आप एंटर करो। तो इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के ऊपर हम दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं, मतलब इनपुट फंक्शन पार्ट टू, और उसमें हम थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, यूजर से स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेता है और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करता है। लेकिन मान लो हमें कुछ कैलकुलेशन करना है और यूजर से हमें कुछ वैल्यू लेनी है, मतलब यूजर से बोलेंगे कि भाई एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और ए और बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सी को वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे आप उस तरीके की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको कुछ अलग कन्वर्जन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने देखा है पिछले वीडियो में कन्वर्जन फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, हेक्सा है, कॉम्प्लेक्स है, तो उस फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी इनपुट फंक्शन से आप वैल्यू लोगे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर फंक्शन में। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो आशा करता हूँ दोस्तों दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।